नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर, चीन ने चांद पर कर दिखाया कमाल। तो वहीं उत्तर कोरिया के ऐलान से धर्म संकट में पड़ा दुनिया। तो वहीं यूक्रेन में दिखा अमेरिकी हथियारों की ताकत। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई में अमेरिकी हथियारों की ताकत और दमखम को देखते हुए कई देश ने भी पेंटागन से हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। जिस ताकत की वजह से सुपर पावर रूस के आगे एक छोटा सा देश इतने लंबे समय तक टिका हुआ है, इसकी वजह जब सामने आई तो दुनिया में इसकी चर्चा अचानक बहुत तेजी से होने लगी। आपको बता दें, यूक्रेन को मिला बूस्टर डोज। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पाकिस्तान समेत कई छोटे देश जो हथियार दिए, वो अभी तक के लड़ाई में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो गया। तो वहीं रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बिल लाप्लांट ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि पेंटागन रक्षा उद्योग के साथ मिलकर हथियारों का उत्पादन बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है, ताकि कुछ हथियारों की अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मांग को सही समय पर पूरा किया जा सके। आपको बता दें, कुछ देशों ने हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम रॉकेट प्रणाली खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है। ये एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से पुतिन की सेना अपने हथियारों को और घातक नहीं बना पा रही है। दूसरी ओर लड़ाई के लंबा खींचे जाने के वजह से रूसी हथियारों का जखीरा खत्म होने के कगार पर है, जिसको लेकर पुतिन काफी चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। जिसे लेकर रूस अब उत्तर कोरिया और ईरान से हथियार मांग रहा है। गौरतलब है कि वैश्विक कूटनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस फॉर्मूले पर अमेरिका से अदालत रखने वाले देश जैसे चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने रूस को अपने मददगार के रूप में दिख रहा है, जिसे लेकर रूस भी बना सबसे बड़ा खलनायक और उन्होंने यूरोप में एनर्जी क्राइसिस करने की संभावना तेज कर दी है। आपको बता दे, रूस की वजह से यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश भीषण ऊर्जा संकट की मार झेल रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि जल्द ही इसके लिए कुछ उपाय किया जाए। यूरोपीय कमीशन इसको देखते हुए जल्द ही कुछ जरूरी घोषणाओं की लिस्ट जारी करेगा। इससे ये भी साफ कर दिया गया है कि कमीशन कुछ बड़े और कड़ा कदम उठाने जा रहा है। रूस के लिए सबसे बड़े हथियार के रूप में उसका गैस सप्लाई आ रहा है। रूस यूरोपीय यूनियन को होने वाली गैस सप्लाई को पूरी तरीके से बंद कर सकता है। इसकी आशंकाओं को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने ऊर्जा मंत्री लीगल टैक्स को बनाने में लगे हैं, जिससे इमरजेंसी फंडिंग का भी जिक्र किया गया है। तो वहीं यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। आपको बता दे, यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को देश के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना के खिलाफ अपने जवाबी हमले में नई सफलता का दावा किया है और एक बड़े गांव पर नियंत्रण वापस कर लिया है, जिसके बाद वे एक महत्वपूर्ण परिवहन जंक्शन की ओर बढ़ गए हैं। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक और नाटो के प्रमुख ने इस घटनाक्रम का जिक्र किया है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि युद्ध के कई महीनों तक चलने की आशंका है। इस बीच यूक्रेन रूस युद्ध की चपेट में आया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उच्च जोखिम के मद्देनजर आपात स्थिति में काम कर रहा है। यूक्रेन के सरकारी परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि 6 रिएक्टर वाला ज़ापोरिज्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र फरवरी में शुरू हुए युद्ध की शुरुआत में रूसी सेना के नियंत्रण में आ गया था। हालांकि यूक्रेनी कर्मचारियों द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संयंत्र स्थल पर 20 जनरेटर हैं और 10 दिनों के लिए पर्याप्त डीजल ईंधन है। उन्होंने कहा कि इसके बाद जनरेटर के लिए प्रतिदिन लगभग 200 टन डीजल ईंधन की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति करना असंभव है। दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्से में और उत्तरी क्षेत्र में शुक्रवार को लड़ाई जारी है। तो वहीं उत्तर कोरिया की घोषणा बन गई सबके लिए खतरे की विषय, जिस पर फ्रांस ने उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हमले से जुड़े कानून को पास करने की जोरदार निंदा की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, उत्तर कोरिया की ओर से उठाया गया यह नया कदम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। उन्होंने कहा, फ्रांस उत्तर कोरिया द्वारा तेजी से की जा रही आक्रामक घोषणाओं को लेकर बहुत चिंतित है। आपको बता दे, उत्तर कोरिया ने एक नया कानून पारित किया है, जिसमें राष्ट्र को परमाणु हथियार वाला राज्य घोषित कर दिया गया है। देश के नेता किम जोंग उन का कहना है कि यह अपरिवर्तनीय है। उत्तर
कोरिया राज्य मीडिया में शुक्रवार को बताया कि किम ने कसम खा रखी है कि अपने देश को वो परमाणु हथियार कभी नहीं छोड़ेगा और कहा कि परमाणु निशस्त्रीकरण पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती है। इस नए कानून को देश के किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए परमाणु हमले करने का भी अधिकार देता है। यह उत्तर कोरिया के पिछले रुख से अलग है जिसके तहत उसका कहना है कि वह अपने हथियार केवल तब तक रखेगा जब तक कि अन्य देश परमाणु मुक्त नहीं हो जाते हैं और गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। बता दें, नया कानून अन्य देशों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी को साझा करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो वहीं तानाशाह ने कहा, दुश्मन पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है नॉर्थ कोरिया। इस कानून में उसे रक्षा के लिए पहले हमले का अधिकार भी हासिल हो गया है। किम जोंग उन का कहना है कि देश की परमाणु स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा और इसी वजह से यह कानून लाया गया है। उत्तर कोरिया 2017 के बाद पहली बार परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। साल 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य ग्लोबल लीडर्स के साथ ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद भी दुनिया किम को अपने हथियारों के विकास को छोड़ने के लिए मनाने में विफल रही थी। नॉर्थ कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर दुनिया को चौंका रहा है और एक से एक नए ऐलान कर दुनिया की चिंताओं को और बढ़ा दिया जा रहा है। अब तो उसने अपने सैनिकों को देश की रक्षा के लिए किसी भी वक्त परमाणु हमला करने की कानूनी अधिकार भी दे रखा है। किम ने अपने एक भाषण में कहा कि परमाणु हथियार नीति को कानून बनाने का अत्यधिक महत्व एक अपरिवर्तनीय रेखा खींचना है ताकि हमारे परमाणु हथियारों पर किसी भी तरह की कोई सौदाबाजी न हो सके। किम का साफ कहना है कि हम अपने परमाणु हथियारों का सरेंडर नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए हमें 100 साल तक प्रतिबंध क्यों नहीं झेलना पड़े। तानाशाह किम पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि परमाणु हथियार किसी देश की प्रतिष्ठा और ताकत का प्रतीक होता है। अगर अमेरिका या कोई अन्य देश हमें धमकाने की कोशिश करता है तो हम परमाणु अटैक करने से पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर कोरिया पहले भी अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसका साफ साफ कहना था कि जब तक किसी भी देश के पास ऐसे हथियार हैं, वह अपने परमाणु हथियारों को खत्म नहीं करेगा। हालांकि उसकी ओर से यह भी कहा जा चुका है कि वह किसी गैर परमाणु संपन्न देशों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन किम के हालिया ऐलान से पूरी दुनिया के सामने उत्तर कोरिया को रोकना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि सनकी तानाशाह किसी भी वक्त विनाशकारी फैसला लेने में सक्षम है। तो वहीं आपको क्या लगता है कि उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार बनाना जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश करें। इसके साथ ही जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए समाचार के साथ।